हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपशा और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम कैनवा में डामी टेक्स्ट यानी कि लोअर मिक्सम जो टेक्स्ट वो कैनवा में हम जनरेट कर सकते हैं और कैनवा में जैसे आपको चाहिए जितना चाहिए वो उतना तक आप ले आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग से लोअर मिक्सम का कोई वेबसाइट में जाकर कोई पेज नहीं खुलना होगा, आपको यहाँ से मिल जाएंगे लोअर मिक्सम का जो फीचर्स वो। तो कहाँ मिलेगा आपको? आपको ऐप्स में मिल जाएंगे लोअर मिक्सम का फीचर्स और यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ये फीचर्स, ठीक है। मेरे यहाँ अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैं यहाँ ये जो लोअर मिक्सम का फीचर्स ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर ये मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए लोअर मिक्सम का जो फीचर्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। आप अगर ऐप्स में क्लिक कर दोगे तो ये आपका ये साइड बार में आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मेरा आ गया। तो लोरम इप्सम एक डामी टेक्स्ट है जो हम कोई डामी कंटेंट या फिर कोई डिज़ाइन में अगर हमें टेक्स्ट चाहिए तो तब हमको अगर कंटेंट नहीं मिलता है तो हम डामी टेक्स्ट यूज़ करते हैं। तो वो डामी टेक्स्ट अब हमको कैनवा में जनरेट करने के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जनरेट लोअर मिक्सम, ये इसमें आप क्लिक करोगे तो ये लोअर मिक्सम टेक्स्ट जनरेट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से कोई कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको मिल जाएंगे, वो है क्लिक द बटन टू ऐड न्यू टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप कितने वर्ड्स का टेक्स्ट चाहते हो और फॉन्ट साइज कितना चाहते हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 और फॉन्ट साइज दिया हुआ है 16, ठीक है। तो मैं जनरेट करता हूँ, तो जनरेट करने के बाद यहाँ पर ये चला आया है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 वर्ड्स है और इसका जो फॉन्ट साइज आप देख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये 16 में ही है, ठीक है। तो इसको अगर चाहो तो आप एडिट भी कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। आप अगर चाहो इसका फॉन्ट साइज ऐसे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे कमा भी सकते हो, ठीक है, कम भी कर सकते हो। देन आप इसको नया नया फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, कैनवा के अंदर जो जो फॉन्ट स्टाइल है वो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। देन बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो, जो जो आप एक टेक्स्ट में एडिटिंग या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में आप करते हो कैनवा में, वो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप कलर भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और अब अगर चाहो तो ये अपर केस में भी कर सकते हो और लोअर केस में भी कर सकते हो। इसका अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो, बुलेट पॉइंट दे सकते हो, देन यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग होता है सब कुछ आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि आप कोई सिंपल सा टेक्स्ट में करते हो। तो यहाँ से आप इफेक्ट भी दे सकते हो ऐसे करके, ठीक है, और ये एनिमेट भी कर सकते हो आप। तो सिंपली जो जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको कैनवा में मिल जाते हैं वो सब कुछ यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो नंबर ऑफ वर्ड्स मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं बड़ा साइज़ का एक पैराग्राफ चाहता हूँ और ये जो फॉन्ट साइज़ है ये फॉन्ट साइज में 20 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद मैं जनरेट करता हूँ। तो देखिए मैं जितना जितना चाहा उतना ही हमको जनरेट करके ये दे दिया। तो ये बहुत ही यूज़फुल एक चीज़ है, क्योंकि आप अपने डिज़ाइन में कितना टेक्स्ट चाहते हो या फिर कितना वाट का टेक्स्ट चाहते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, और आप जस्ट यहाँ पर नंबर लिख लेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा एक फीचर है जो कैनवा में लाया गया है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिए और आप अपने हिसाब से ये कलर चेंज और ये जो टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, ये जो चेंज करके दिखाया है वो भी चेंज करके देख सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप कि ये फीचर्स आपको पसंद आया और आप ये ज़रूर ट्राई करके देखना, और
चलिए मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कर देना। थैंक यू।